ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। चार लोगों को हिरासत में लिया। सीसीटीवी से चारों आरोपी की पहचान की गई है। जीतन सहनी से दो लोगों ने पैसे उधार लिए थे और पैसे के बदले जीतन सहनी ने अपनी बाइक गिरवी रखी थी। बाइक छुड़ाने देर रात पहुंचे थे चार लोग और दो दिन पहले जीतन सहनी से कहा सुनी भी हुई थी। दोनों ने जीतन सहनी को धमकी भी दी थी। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता दरभंगा से विपिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विपिन, क्या है ये पूरा मामला? क्या इन लोगों की पहचान जो सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहे हैं वो हो सकी है? वो कौन लोग थे जिनसे पैसे लिए गए थे? जी बता दें कि ये चारों उसी गांव के हैं और आसपास के ही लोग हैं जिसकी पहचान सीसीटीवी से पूरे मामले की खुलासा हुई, क्योंकि चारों रात में पहुंचे थे उनके घर और रात में भी उनके घर पहुंचे थे। इसलिए पहुंचे थे क्योंकि इन लोगों ने उनसे जीतन सहनी से ब्याज पर रुपये ले रखा था और रुपये के लेन देन का विवाद दो दिन पूर्व से ही चल रहा था और रुपये देने के बदले जीतन सहनी ने उन्हें उनकी बाइक रख ली थी, जो सिक्योरिटी के आधार पर उसके बाइक रखी थी, जो रुपया वापस आएगा तो बाइक ले जाना। लेकिन उस रात जो है ये लोग पूरे प्लान के साथ वहां पहुंचे और उनसे जाके कहा सुनी हुई हो, जो बाइक अपना लेने गए थे जिसके बाद कहा सुनी हुई होगी और कहा सुनी के बाद ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया होगा। क्योंकि पुलिस अभी पूरे मामले में खुल के नहीं बता रही है, क्योंकि हिरासत में लेने की बात करी है, गिरफ्तारी की बात अभी नहीं सामने आ रही है। लेकिन पुलिस ने ये बताया है प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कि उनको हिरासत में रखा गया है और भी कई बिंदुओं पर अभी जांच चल रही है। जी विपिन, इस बारे में जानकारी दीजिए कि जो चार लोग सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहे हैं, क्या वो इस वक्त गांव में मौजूद हैं? पुलिस उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई कर सकती है? साथ ही साथ क्या इस बाबत कोई जानकारी सामने आई है कि कितने पैसों का लेन देन हुआ था? जी सबसे पहले ये बता दूं कि जो चारों सीसीटीवी में दिख रहे हैं जिनसे पैसे की लेन देन हुई थी, चारों को पुलिस अपने हिरासत में रखी हुई है। सुबह चारों को हिरासत में रखकर थाने में पूछताछ की जा रही है। पैसे का अभी खुलासा नहीं हुआ कि कितने पैसे उनसे लेन देन किया गया था, लेकिन चूंकि वो पुलिस कह रही है कि आगे जो खुलासे किए जाएंगे, लेकिन पैसे की लेन देन हुआ था वो भी ब्याज पर जीतन सहनी ने इन चारों में से दो को दिया था और दोनों लोगों का जो एक बाइक था उसे जीतन सहनी रखे हुए थे अपने पास सिक्योरिटी के आधार पर कि जब पैसे वापस दोगे तो बाइक देंगे। और इसी बाइक की लेन देन, पैसे की लेन देन तो नहीं थी लेकिन बाइक लेने के लिए ये लोग रात में पहुंचे थे और बाइक जब नहीं दिया गया, कहां सुनी हुई, उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया। वाकई विपिन, ये बहुत ही जघन्य अपराध इन अपराधियों की तरफ से किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार पुलिस की तरफ से युद्ध स्तर पर जांच जारी है। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में और क्या कुछ नए खुलासे सामने निकल कर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पिता की हत्या के बाद वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी दरभंगा के बिरौल में अपने घर पहुंचे। मुकेश सहनी के घर पहुंचते ही माहौल काफी गमगीन हो गया। पिता का शव देख मुकेश सहनी बहुत भावुक हो गए। मुकेश सहनी के पहुंचने के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। मुकेश सहनी ने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुकेश सहनी ने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया है। पत्नी और बच्चे जब वहां पहुंचे तो फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि बहुत ही जघन्य अपराध के तहत अपराधियों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया और उनके पिता की निर्मम तरीके से हत्या की गई है, जिसे देखकर मुकेश सहनी भी बहुत भावुक हो गए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से भी इसकी चर्चा की और बिहार सरकार से दरख्वास्त करने की बात कही कि जल्द से जल्द अपराधियों पर अंकुश लगाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर सियासत बेहद तेज है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार का इकबाल ही खत्म हो गया है, बिहार में लगातार हत्याएं हो रही है। तेजस्वी ने मुकेश सहनी के परिवार के प्रति संवेदना जाहिर करते हुए कहा कि बिहार में सत्ता संपोषित, सत्ता संरक्षित और सत्ता प्रायोजित अपराध और ध्वस्त कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी कौन लेगा?
तेजस्वी ने कहा कि बिहार में गुंडा राज कायम हो गया है। से लगातार बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल खत्म हो गया और दो दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, डबल इंजन की सरकार है और लगातार बिहार में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, बैंकों की डकैती हो रही है और सरकार जो है हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। जो वीआईपी पार्टी के संरक्षक हैं उनके पिता की निर्मम हत्या कर दी गई है, इसका हम लोगों को बहुत दुख है और पूरी परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है। इस दुख के घड़ी में ईश्वर जो है उनको मजबूती देने का काम करे और हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा ये संरक्षित अपराध है, संपोषित अपराध है, ये प्रायोजित सरकार द्वारा है। तो बिहार में पूरी तरीके से बिहार को हम कह सकते हैं कि गुंडा राज जो है स्थापित हो चुका है।